नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मिस इन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। लाल निशान पर सेंसेक्स 485.82 अंक धड़ा, 15,800 के नीचे फिसला निफ्टी। यूपीआई ट्रांजेक्शन में भारी इजाफा, गूगल पे का मार्केट शेयर घटा। कोरोना में इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए पिछले वर्ष से ही मखाने की काफी अधिक डिमांड चल रही है। डिमांड के चलते इसके भाव भी सुर्ख हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स की तरह मखाना भी काफी अधिक पौष्टिक होने के चलते लोग इसकी खरीदी करते हैं। कोरोना काल में इसकी जमकर बिक्री हुई, लेकिन यह आम लोगों की पहुंच से दूर है। थोक बाजार में इसके भाव में करीब 70 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। पिछले 2 से 3 माह पहले थोक में जो मखाना 550 रुपए से 580 रुपए प्रति किलो चल रहा था, वह 620 से 650 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। इसी तरह चिल्लर में 650 रुपए प्रति किलो चल रहा मखाना उछाल मारते हुए 700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने जून के UPI ट्रांजेक्शन आंकड़ों को जारी कर दिया है। नए आंकड़ों के मुताबिक फोन पे 40.04% मार्केट शेयर के साथ पहले स्थान पर रहा। मई की तुलना में 0.77% की बढ़ोतरी हुई। गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे जैसे ऑनलाइन UPI प्लेटफॉर्म फोन पे से पीछे रहे। लिस्ट में दूसरे नंबर पर गूगल पे और तीसरे नंबर पर पेटीएम रहा। फोन पे यूजर्स ने जून में ऐप से 1,292.71 मिलियन यानी 129.27 करोड़ UPI ट्रांजेक्शन किए, जबकि मई में यूजर्स ने 1,149.84 मिलियन यानी 114.98 करोड़ ट्रांजेक्शन किए थे। यानी मंथली आधार पर UPI ट्रांजेक्शन की संख्या 142.87 बिलियन यानी 14.28 करोड़ बढ़ गई। दूसरे स्थान पर रहने वाले गूगल पे की तुलना में फोन पे पर 320.45 मिलियन यानी 32.04 करोड़ UPI ट्रांजेक्शन ज्यादा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने आम जनता को बेहाल कर दिया है। इस बीच घरेलू गैस सिलेंडर के बाद अब दिल्ली NCR में CNG और PNG के दामों में भी इजाफा हुआ है और इनकी कीमतें बृहस्पतिवार से ही लागू भी हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में CNG की कीमत में प्रति किलोग्राम 90 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि PNG की कीमत में 1.25 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई। 90 पैसे प्रति किलोग्राम इजाफे के अब राजधानी दिल्ली में CNG की नई कीमत 44.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पूर्व में 43.40 रुपए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 485.82 अंक यानी 0.92% नीचे 52,568.94 के स्तर पर बंद हुआ। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 151.75 अंक यानी 0.96% की गिरावट के साथ 15,727.90 के। मजबूत वैश्विक रुख और रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण स्थानीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 100 रुपए की तेजी के साथ 49,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वही चांदी की कीमत भी 200 रुपए की तेजी के साथ 72,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 71,800 रुपए प्रति किलो था। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। लाल निशान पर सेंसेक्स 485.82 अंक धड़ा, 15,800 के नीचे फिसला निफ्टी। UPI ट्रांजेक्शन में भारी इजाफा, गूगल पे का मार्केट शेयर घटा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।